हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आपके लिए एक 2D होम प्लान और 3D हाउस डिज़ाइन का वीडियो लेकर आता हूं। आज मैं आपको 40 फीट बाई 33 फीट का एक 3BHK का हाउस प्लान दिखाने वाला हूं और काफ़ी पसंद आएगा आपको ये प्लान। तो चलिए एक एक करके मैं डायमेंशन भी आपको बताते चलूँगा, आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से मेन डोर का हमने प्रोवाइड किया है और जैसे ही इंटर करते हैं मेन डोर पर, तो आपको हॉल एंड डाइनिंग एरिया के लिए कुछ इस तरह से हॉल एंड डाइनिंग कंबाइंड, और साइज की अगर बात करें तो 15 फीट बाई 19 फीट का हमने इसका साइज रखा है। तो देखिए, कुछ इस तरह से 19 फीट की लंबाई होने वाली है और 15 फीट का हमने चौड़ाई रखा है हॉल एंड डाइनिंग एरिया के लिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें किचन वाले एरिया की, तो किचन देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से किचन, और साइज की अगर बात करें तो 11 फीट बाई 4 इंचेस बाई 8 फीट का हमने कुछ इस तरह से किचन का साइज रखा है, जो कि 11 फीट 4 इंचेस बाई 8 फीट का ये किचन का साइज होने वाला है। तो डाइनिंग एरिया कुछ इस तरह से आप इस पर डाइनिंग एरिया एंड हॉल में, और डाइनिंग एरिया के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आप जगह स्पेस कुछ इस यहाँ पे जगह आप रख सकते हैं, एंड हॉल के लिए इतने एरिया में आप हॉल के लिए जगह ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देखिए डिज़ाइन कीजिए। आगे हम बात करते हैं इसमें किचन वाले एरिया की, तो कुछ इस तरह से हमने स्टोर के लिए स्टोर और 3.5 फीट का 3 फीट 6 इंचेस का हमने इसका चौड़ाई रखा है। तो और लंबाई की बात करें तो 11 फीट जो यहाँ पे है 11 फीट 4 इंचेस का इस तरह से स्टोर एरिया के लिए, जो कि किचन में हमको स्टोर जरूरी है, अगर आपके पास अगर जगह है तो ज़रूर स्टोर प्रोवाइड करें। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ये वाले एरिया की, तो ये हमने पूजा के लिए पूजा वाले एरिया के लिए रखा है। साइज की बात करें तो 4 फीट बाई 3 फीट का हमने पूजा वाले एरिया के लिए रखा है, कुछ इस तरह से। आगे हम बात करते हैं इसमें स्टेयर के सीढ़ी वाले रूम में, तो सीढ़ी वाले रूम के लिए हमने 7 फीट का जगह छोड़ी हुई है। तो स्टेयर 7 फीट वाइड, 7 फीट का हमने चौड़ाई रखा है सीढ़ी वाले रूम के लिए। तो कुछ इस तरह से देखिए, आप इधर से टर्न करेंगे और टोटल आपको इसमें स्टेप अगर देखें तो टोटल आपको 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 18 आपको ट्रेड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरह से 18 स्टेप में आप इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया। आगे हम बात करते हैं इसमें बेडरूम वाले एरिया के, तो ये आपको एक मास्टर बेडरूम का साइज मिल जाता है, जो कि मास्टर बेडरूम साइज की बात करें तो ये 14 फीट का है, 14 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का हमने ये मास्टर बेडरूम का साइज रखा है। तो देखिए कुछ इस तरह से 14.5 फीट का ये लंबाई होने वाला है एंड 12 फीट का ये हमने चौड़ाई रखा है, और उसी पे ही वार्डरोब के लिए हमने कुछ इस तरह से जगह रखा है, जो कि WD वार्डरोब के लिए कुछ इस तरह से हमने जगह रखा है, जो कि 2 फीट का, और अपने अकॉर्डिंग आप जितना लेंथ ले जा सकें मतलब जगह के अनुसार। तो वार्डरोब के लिए कुछ इस तरह से मैंने मास्टर बेडरूम में जगह रखा है। उसी में आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिल रहा होगा, जो कि अटैच टॉयलेट, और साइज की अगर बात करें तो 4 फीट बाई 8 फीट का हमने इसमें प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से अटैच टॉयलेट हमने 4 फीट बाई 8 फीट का अटैच टॉयलेट हमने रखा है। आगे हम बात करते हैं इसमें सेकेंड बेडरूम के बारे में, जो कि 11 फीट बाई बेडरूम 11 फीट बाई 12 फीट का हमने बेडरूम का साइज रखा है, और उसमें भी हमने ये वार्डरोब के लिए जगह रखी हुई है, वार्डरोब के लिए कुछ इस तरह से जगह रखा है। आगे हम बात करते हैं लास्ट बेडरूम के बारे में, जो कि थर्ड बेडरूम, जो कि 3BHK का हाउस प्लान है, और थर्ड बेडरूम के बारे में बात करें तो ये आपको 11 फीट बाई बेडरूम 11 फीट बाई 13 फीट का ये बेडरूम का साइज
हमने रखा है, जो कि 11 फीट का इसका चौड़ाई होने वाला है। लंबाई की बात करें तो 13 फीट में हमने इसमें रखा है। इसमें भी आपको वार्डरोब के लिए कुछ इस तरह से जगह मिल जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से वार्डरोब के लिए हमने जगह रखी है। आगे हम बात करते हैं लास्ट इसमें, तो जो कि एक कॉमन टॉयलेट है जो कि हॉल से ही आप इंटर कर पाएंगे, तो कुछ इस तरह से कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट एंड बाथ कंबाइंड आप बना सकते हैं, इसमें काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। और साइज की अगर बात करें तो 5 फीट 6 इंचेस का इसका चौड़ाई होने वाला है एंड 11 फीट का इसका लंबाई होने वाला है। तो कुछ इस तरह से देखिए टॉयलेट से कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए 5.5 फीट का ये चौड़ाई हमने रखा है और 11 फीट का ये लंबाई हमने कॉमन टॉयलेट के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से प्लान था, एक बार आपको ओवरव्यू दे दूँ। तो ये मेन एंट्री है, कुछ इस तरह से मेन एंट्री एंड इसमें इस स्पेस पे आप रख सकते हैं हॉल के लिए आप जगह एंड डाइनिंग के लिए कुछ इस तरह से जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके राइट साइड देखें तो किचन के लिए मैंने कुछ इस तरह से साइज रखा है जो कि 11 फीट 4 इंचेस बाई 8 फीट का, और किचन में ही आपको एक 3.5 फीट चौड़ा मतलब स्टोर रूम के लिए जगह मिल जाती है। उसके बाद आपको पूजा रूम देखने को मिल रहा होगा जो कि 4 फीट बाई 3 फीट का ये पूजा रूम का साइज हमने रखा है। और उसी पे ही जस्ट उसके अप में देखें तो ये स्टेयर केस के लिए मैंने कॉर्नर पे जगह रखी है जो कि 7 फीट का आपको चौड़ाई स्टेयर केस के लिए इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट बेडरूम के बारे में, जो कि एक मास्टर बेडरूम था जो कि 14.5 फीट बाई 12 फीट का हमने मास्टर बेडरूम का साइज रखा है, और उस पर ही अटैच टॉयलेट आपको देखने को मिल रहा होगा। सेकेंड बात करते हैं बेडरूम के बारे में, जो कि सेकेंड बेडरूम जो कि 11 फीट बाई 12 फीट का हमने ये बेडरूम का साइज रखा था और उसमें वार्डरोब के लिए कुछ इस तरह से जगह। एंड थर्ड बेडरूम 11 फीट बाई 13 फीट का, तो ये 3 BHK का हाउस प्लान था और कॉमन टॉयलेट इस तरह से 3 BHK का हाउस प्लान था। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। अगर आप भी चाहते हैं किसी तरह का प्लान डिज़ाइन कराना तो अपने प्लॉट एरिया मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस प्लान के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा आपको ये प्लान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।